नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जीआर में। दोस्तों कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राणा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जीआर पे। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यदि आप एक क्रिएटर्स हैं और YouTube चैनल चलाते हैं या फिर चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं काफ़ी समय से भी, लेकिन दोस्तों काफ़ी मेरे क्रिएटर्स भाई के साथ ये समस्या आती है कि उनकी वीडियोस पर जो है वीडियो होती है उन पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो आखिर व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, उसका क्या कारण है? और कुछ भाई के साथ ऐसा होता है, कुछ वीडियो पर तो व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं लेकिन कुछ वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आखिर क्यों नहीं आते हैं, ये क्या कारण है, आपसे क्या गलती हो जाती है जिस कारण आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं या फिर कम व्यूज़ मिलते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में यही कुछ मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये किस किस कमी के कारण आपसे क्या कमी होती हो जाती है, क्या गलती आपसे हो जाती है इस कारण ये व्यूज़ कम आते हैं, और आप इसको कैसे सुधारेंगे और कैसे आपकी वीडियोज़ पर जो है व्यूज़ बढ़ने लगेंगे, सभी कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर वीडियो पर व्यूज़ कम क्यों आते हैं और कैसे आप व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से व्यूज़ जो है आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको एक बता दूँ, ये जब आप जो चैनल चलाते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो देखिए या तो आपसे कमी ये रहती है कि आप कोई भी एक कंटेंट नहीं चूज करते हो अपना। कंटेंट का मतलब है आपने चैनल बना लिया और आपके दिमाग में कोई ये नहीं रहता कि मैंने आखिर चैनल किस चीज़ पर बनाया है, इस पर मैं क्या डालूँ। तो आप क्या करते हैं, उस पर मान लीजिए आपके जो भी वीडियो नॉलेज दिमाग में आई अपने उसी टॉपिक पर बना के डाल दी। कि मान लीजिए आपने 10 वीडियो शुरू में आपके नॉलेज में आई यूट्यूब से रिलेटेड, आपने वो बना करके डाल दी। फिर आपके टॉपिक कोई नज़र नहीं आया, आपको समझ नहीं आया, तो आपने एक दो वीडियो मोबाइल की बना करके डाल दी। फिर आपके टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपने कुछ टूर ट्रेवल्स की डाल दी, या टॉपिक समझ नहीं आया किसी जगह पैलेस वगैरह की डाल दी, फॉरेस्ट की डाल दी। तो आप वीडियो की चेंजिंग करके आप चैनल पर अपलोड करते रहते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो आप वीडियो यूट्यूब की डालते हो आपने वो 1 से 10 डाल दी थी, उस पर आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। बाकी और जो कंटेंट आपने चेंज कर दिया उस पर व्यूज़ आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एकदम फोकस कर लेना है, खुद के माइंड को इतना फोकस कर लेना है कि किस चीज़ में आप माहिर हो, यानी आपको कौन सी चीज़ में आप सबसे अच्छा बता सकते हो, नॉलेज कौन सी चीज़ की आप सबसे अच्छी दे सकते हो। तो आपको सबसे अपनी जो कैटेगरी अपने चैनल की बनानी है उसी वीडियोज़ की बनानी है। आप टेक चैनल पर काम अच्छा कर सकते हो, आपको टेक वीडियो बनाना पसंद है, या फिर आपको नॉलेज अच्छी दे सकते हो टेक के बारे में, अच्छा बोल सकते हो, तो आप टेक चैनल चला सकते हैं। या फिर आप मोबाइल रिपेयर करते हो, मोबाइल का एक्सपीरियंस आपको अच्छा है, तो आप टेक चैनल ना बनाइएगा, मोबाइल रिपेयरिंग का चैनल बना लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ चूज़ कर लेनी है कि आपका माइंड क्या कहता है, दिल क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हो, किस चीज़ में आप बेटर हो, उसी चीज़ का आपको कंटेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसी चीज़ उसी टॉपिक पर आपको वीडियोज पर वीडियो बनाकर और अपलोड करते रहना है। दोस्तों आप जितनी भी एक टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दोगे उतनी ही वो पब्लिश ज़्यादा होंगी, ज़्यादा वो यूट्यूब उनको वायरल करने का चांसेस रखेगा और ज़्यादा ही आपको व्यूज़ मिलेंगे। अब आपको क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है आप जो कोई कंटेंट चुन लेते हो, आप कैटेगरी आप थोड़ा गलत चुन लेते हो। मान लीजिए कैसे, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपने किसी मोटर का ही एक कंटेंट ले लिया है, कंटेंट मोटर का ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब मोटर के ऊपर आप ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं सकते, आप ज़्यादा से 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100 वीडियो आप बना लोगे, ठीक है दोस्तों। आपने वो बना ली, बना करके अपलोड कर दी, अब आपके पास उसका कंटेंट खत्म हो क्यों हो चुका है, क्योंकि मान लीजिए मोटर के बारे में जो भी आप बताओगे, उसकी बांधना, उसको खोलना, उसकी वायरिंग करना, जो बाइंडिंग वगैरह, तो आप हद से एक मोटर के ऊपर 100 वीडियो बना दोगे, उसके बाद आपका मोटर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि कुछ मोटर के टॉपिक की वीडियो बना देते हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत उसको छोड़ करके एक दो वीडियो मोबाइल की डाल देंगे, या फिर उस टॉपिक को छोड़ेंगे 2-3 वीडियोज़ पर यूट्यूब से रिलेटेड जो आप नॉलेज देते हैं उसकी डाल देंगे टैग की। तो यहाँ पर आपके व्यूज़, जब तक आपने YouTube कंटेंट की वीडियो डाली थी उन पर आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी है तो इन जो आप वीडियो डाली, मैंने बताया जैसे कि आपने मोबाइल की डाल दी, यूट्यूब की नॉलेज की डाल दी, तो ये आपने दो ही वीडियो डाली, पहली ज़्यादा थी उन पर व्यूज़ अच्छे हैं, ये आपने कंटेंट यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज कर दिया, तो YouTube दोस्तों इन्हें कम प्रसारित करेगा, यानी पब्लिक के पास कम भेजेगा, तो इन पर आपके व्यूज़ कम आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही दोस्तों आप कंटेंट अपना जो कंटेंट है वो चेंज करोगे, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने मोटर के ऊपर टॉपिक बनाया, ठीक है, वहाँ पर सारी वीडियो आपने अपलोड कर दी, अब आप एक कंटेंट फिर दूसरा ले लीजिएगा जिसमें आप लगभग 50-60 वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद आपको उस कंटेंट पर वीडियो बनानी है, लेकिन बीच बीच में एक एक वीडियो कभी कभी आपको मोटर के कंटेंट पर भी, यानी जो आप पहले बनाए थे उसके ऊपर भी एक एक वीडियो आपको बनाकर डालते रहना है बीच बीच में। और जिस कंटेंट को आप नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया मोबाइल का,
तो उस पर सबसे ज़्यादा आपको वीडियो बना करके डालनी है, यानी प्रतिदिन आप उस पर वीडियो बना करके एक वीडियो डालते रहेंगे। बीच में जब भी आपको समय मिले तो जो आपने पहले कंटेंट बना रखा था, चला रखा था अपने वीडियोज़ का, उस पर भी एक एक वीडियो बना करके डाल दें। लेकिन आप जिस कंटेंट पर भी काम करें उस पर लगातार वीडियो बनाकर डालें, ज़्यादातर उसी पर वीडियो बनाकर डालें, तो यूट्यूब उसको इतनी ही ज़्यादा आपकी वीडियो को वायरल करेगा और अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ पर देगा। तो आपको ये नहीं कि एक वीडियो किसी चीज़ की बना दी, दूसरी किसी चीज़ की बना दी, तीसरी किसी की, और उन्हें बना करके आप ऐसे ही अपलोड करते चले जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे और इसी वजह यही कारण है दोस्तों आपको व्यूज़ कम मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, अपने कंटेंट चूज़ कर लेने हैं कि आपको किस कैटेगरी में किस कंटेंट पर वीडियो बनाना है, फिर आपको लगातार उसी कंटेंट पर वीडियो बनाते चले जाना है। जैसे कि मान लीजिएगा मैं टेक वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैं यूट्यूब पर की जो भी नॉलेज आएंगी मैं सभी इस चैनल पर दूंगा, सभी वीडियोज मैं यूट्यूब के लेवल की आपको बना के दूंगा, सारी नॉलेज मैं दूंगा, तो मेरी सारी वीडियो यहाँ पर यूट्यूब की मिलेंगी। दोस्तों इस पर मैं मोबाइल की वीडियो डालता हूँ तो यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और मैं मोबाइल डालता हूँ तो मोबाइल की ही वीडियो डालता रहता हूँ, तो मैं दो कंटेंट चला रखे हैं, दोनों की वीडियो डालूंगा मैं, इसमें और वीडियो नहीं डालता हूँ। तो इसी तरह से आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आप माहिर हो, अच्छे से कर सकते हो, उसी तरह से आप कंटेंट सिलेक्ट करिएगा, उसी पर टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड करते रहिएगा, 100% आपको व्यूज़ मिलेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।